अस्पताल में इन दिनों चिल्ड्रन वार्ड में बीमार छोटे बच्चे भरे हुए हैं। चिल्ड्रन वार्ड में बीमार बच्चे और बच्चियों की वजह से बेड भी खाली नहीं है। बेड मुहैया कराने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ती है। बाहर कुर्सी पर तीमारदार अपने बच्चों को लेकर बैठे हैं। चिल्ड्रन वार्ड भेजने पर बेड नहीं मिलता तो वहीं लोगों में काफी आक्रोश है। जिला अस्पताल के अधीक्षक अरुण लाल ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि इस समय चिल्ड्रन वार्ड बेड मरीजों से भरा है, खाली नहीं है, वैकल्पिक व्यवस्था कराई जा रही है, जबकि इसे चिल्ड्रन वार्ड में बच्चे लाकर भर्ती कराए जाते हैं। वहीं डेंगू के मरीजों की संख्या ज्यादा बताई गई है। चिल्ड्रन वार्ड में बेड तो लिमिटेड है और इस समय पेशेंट ज्यादा हो गए हैं तो उनको कुछ लोगों को हटा कर डिस्चार्ज किया जा रहा है, कुछ लोगों को किसी दूसरे वार्ड में शिफ्ट किया जा रहा है, एडजस्ट किया जा रहा है। लमसम कितने मरीज होंगे सर? किस चीज के? जिसमें उसमें एक दो पेशेंट होंगे जिनको अभी बेड नहीं मिला होगा, उनको एडजस्ट किया जा रहा है। और डेंगू के भी उसमें कुछ आशंकाएं जताई जा रही है कुछ लोगों ने, सस्पेक्टेड डेंगू है। अभी डेंगू के सस्पेक्टेड केसेस को अभी हम वहाँ पे बच्चों को, वहाँ पे तो स्पेशल केयर होती है, वो डेंगू वार्ड में उतनी केयर नहीं हो पाती है क्योंकि डेंगू जनरल वार्ड है, ये बच्चों का वार्ड है, तो इन्हीं के साथ उनको रखा जाता है। नहीं, लेकिन एक बार कन्फर्म हो जाएगा तो उनको हटा दिया जाएगा। ऐसे कितने बच्चों पर डेंगू की वो आई है? सस्पिशन है अभी ना, अभी रिपोर्ट आ जाए तो, वो तो हर्ट फीवर वाले का टेस्ट हो रहा है डेंगू का। जांच में भिन्न पाई जा रही है, कहीं आपके यहाँ जांच होती है तो उसमें कुछ और निकलता है, लोग बाहर से करा के आते हैं तो उसमें कुछ निकलता है। जैसे आपके यहाँ प्रोटीन 10,000 पाई जाती है, बाहर करा के आते हैं तो उनको 15। प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे हमारे यहाँ पैथोलॉजिस्ट नहीं है, हम कई बार छुट्टी ले चुके हैं, पूरा अस्पताल बिना पैथोलॉजिस्ट के चल रहा है। टेक्नीशियन लेवल पर जो भी जितना वो कर सकते हैं कर रहे हैं, उसका वेरिफिकेशन नहीं हो पाता। तो अहम बीमारी है, इससे लोगों की मौत होती है, तो फिर ऐसा खिलवाड़ क्यों होता है? अब ये तो मैंने मांगा है इसको पैथोलॉजिस्ट को, पैथोलॉजिस्ट है नहीं यहाँ पे। एक बार किसी का ऑर्डर भी किया गया, उन्होंने कंप्लाइंस नहीं किया। व्यवस्थाएँ कैसे चलेंगी? पैथोलॉजिस्ट तो चाहिए ही चाहिए, बिना पैथोलॉजिस्ट के हमारा ब्लड बैंक में प्रॉब्लम आ रही है। बच्ची का क्या नाम है? दिप्ती। कहाँ से लेकर आए? रामगढ़। कौन थाना है? रामगढ़ सर, रामगढ़। ये बताइए क्या हुआ है बच्ची को, क्या हुआ? बच्ची के सर पलटी हुई। हाँ, दो तीन पलटी हुई हैं सुबह, उसके बाद में बस उसके क्या अनशन होती है पेट में। कहाँ दिखाया है? करनागंज। वहाँ से जवाब दे दिए जी। फिर गोंडा लेकर आए? हाँ। गोंडा कहाँ लेकर आए? यहाँ सरकारी में लेकर आए, जिला अस्पताल पर जल्दी में। यहाँ के डॉक्टर ने क्या बताया? डॉक्टर ने भर्ती को बताया है। ले गए थे वहाँ वार्ड में ले गए। कौन सा वार्ड? चिल्ड्रन। कौन सा वार्ड ले गए थे? बच्चे वाले वार्ड में। तो वहाँ डॉक्टर ने क्या बताया? वहाँ बेड नहीं खाली। बेड नहीं खाली, फिर कहाँ ले आए? फिर इमरजेंसी में लाया था। अभी कहीं बेड नहीं मिला?